क्वेश्चन नंबर 7 कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड, मतलब दे आर आस्किंग एग्रीकल्चर ने ट्रेड को क्या चीज कंट्रीब्यूट किया है. ओके, एग्रीकल्चर हेल्प्स टू इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड. अ मेजर पोर्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर विच हेल्प्स अस टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. सी, आप ध्यान करो इंडिया में क्या क्या बहुत उगाया जाता है. सो यू विल फाइंड दैट टी, देन स्पाइसेस मसाले, देन उसके बाद वीट राइस, देन कॉर्न, ये सब इंडिया में बहुत होता है एंड वी एक्सपोर्ट इट टू फॉरेन कंट्रीज, राइट. तो जब हम उनको गुड्स देते हैं, दैट इज जब हम उनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे हैं, व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न? फॉरेन एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने भेजा यूएस यूके को, तो आपको डॉलर मिलेगा, तो दैट इज यूर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. वो मनी यू कैन यूज टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, आपने टेक्नोलॉजी खरीदी उनसे, तो यू आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर विच यू कैन यूज टू बाय देयर प्रोडक्ट्स. ओके, बिसाइड्स गुड्स मेड बाय एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कंट्रीज एक्सपोर्ट्स. सो यदि एग्रीकल्चर नहीं अच्छा नहीं होगा कंट्री में, तो सबसे पहले तो आपके कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उनको फीड करने के लिए आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो वो गलत बात हो जाएगी कि फूड ग्रेन इम्पोर्ट कर रहे हैं. और यदि अच्छी होगी, सो यू विल एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज. कीवर्ड क्या है? एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. लिख लो इसको. राइटिंग में कीवर्ड्स हमेशा लिख लिख के ही लर्न करना चाहिए, तब वो बाय हार्ट होता है. बिसाइड्स गुड्स मेड बाय एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कंट्रीज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज हमारी कंट्री से बाहर गुड्स लेके जाएंगे, तभी तो हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्फ सफिशियंसी इन फूड प्रोडक्शन. सेल्फ सफिशियंसी मतलब We are able to grow our food ourselves. We are not dependent on any other country for our food requirements. So self-sufficiency in food production is again the key line. Usko a group of keywords. Usko dhyan rakho. Self-sufficiency in food production. The most important contribution of agriculture is to provide food supply for increasing population of the country. As it is India. बहुत बड़ी कंट्री है, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो खाने के लिए खाना तो चाहिए. तो जो फूड सप्लाई है फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वी आर कंट्रीब्यूटिंग हाउ? वी आर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन. वी आर डूइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू ट्रेड. द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट ट्रेड्स एंड सर्विसेस. A major part of trade and services in the country is supported by agriculture. Many services like transport, storage are dependent on agriculture. That is, see, आप एक जगह होगी कंट्री में जहां पर बहुत सारा एक चीज का एग्रीकल्चर होगा, वहां से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लेके जाया जाएगा. सो ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो गेटिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल, टी और चाय पत्ती, दैट फ्रॉम आसाम और फ्रॉम दार्जिलिंग, दैट इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो ट्रांसपोर्ट इज गेटिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ओके, उनको भी बिजनेस मिल रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, बम्पर क्रॉप हुई, जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसका बफर स्टॉक हम कोल्ड स्टोरेज में डाल सकते हैं. तो दैट स्टोरेज फैसिलिटी इज ऑल्सो गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो सपोर्ट्स ट्रेड एंड सर्विसेज. ओके, इसमें ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज वर्ड आपको यूज करना है. नेक्स्ट पॉइंट, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स दैट आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज आर ग्रुप्ड इनटू टर्शरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज. सो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है दैट आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज आर ग्रुप्ड इनटू टर्शरी सेक्टर. जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर सर्विसेज,
कहीं भी कोई भी आदमी काम कर रहा है, बी इट इन ट्रांसपोर्ट, बी इट इन कम्युनिकेशन, बी इट इन फाइनेंस, बी इट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, उन सबको जितने भी लोग हैं उधर काम करते हुए, दे नीड फूड टू ईट. कहाँ से आ रहा है ये फूड जो वो खा रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो एग्रीकल्चरल सेक्टर इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू टर्शरी सेक्टर ऑल्सो. दैट इज बेसिकली द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच दीज पीपल आर ईटिंग रिमेनिंग हेल्दी. तो वो सब टर्शरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बी इट कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर फूड. बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग फूड विच इज कीपिंग देम देयर स्टमक फुल एंड कीपिंग देम हेल्दी. सो टर्शरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर.